दोस्तों, हमारे देश भारत में मंदिर मस्जिद का काफी ज्यादा महत्व है और आप भी किसी न किसी भगवान के मंदिर जरूर जाते होंगे। वैसे दोस्तों, अब ये मंदिर सिर्फ भगवानों तक सीमित नहीं रह गए, यहाँ तक कि कामुक मूर्तियों का भी मंदिर अस्तित्व रखता है और तो और पीएम मोदी का भी मंदिर है। अब ऐसे में बाइक लवर का भी ध्यान रखा गया है और बुलेट बाइक का भी मंदिर आज आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। काल भैरव मंदिर। हमारी सरकार ये कहती है कि शराब का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, मगर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित इस काल भैरव मंदिर में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक अलग तरह का दृश्य देखने को मिलेगा। इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं, यानी कि काल भैरव की प्रतिमा शराब का सेवन करती है। सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना, जो चीज हमें ये कहकर नहीं पीने दिया जाता कि ये सेहत के लिए हानिकारक होती है और उसी चीज का सेवन भगवान को करवाया जाता है, ये सब क्या है? हमारी समझ से तो परे है। अगर आपके पास भगवान की शराब पीने की इस आदत पर कोई भी विचार मन में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर श्री हनुमान जी का बहुत जागृत स्थान माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में विराजित श्री बालाजी अपने दिव्य शक्ति से बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाते हैं। मंदिर में हजारों भूत पिशाच से ग्रस्त लोग रोज दर्शन और प्रार्थना के लिए यहां आते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग संकट वाला कहते हैं। भूत बाधा से पीड़ितों के लिए मंदिर अपने ही घर के समान हो जाता है और श्री बालाजी ही उसकी अंतिम उम्मीद होते हैं। बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यहां कई लोगों को जंजीर से बांधा और उल्टा लटके हुए देखा जा सकता है। ये मंदिर और इससे जुड़े चमत्कार देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। शाम के समय जब बालाजी की आरती होती है तो भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को जूझते हुए देखा जाता है और आरती के बाद लोग मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं। वहां के पुरोहित कुछ उपाय करते हैं और कहा जाता है कि इसके बाद पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। कामाख्या मंदिर। क्या आप सोच सकते हैं किसी मंदिर में महिला के मुख्यांग योनि की पूजा होती है? दरअसल ऐसा हमारे देश में काफी सालों से होता आ रहा है। ऐसा ही मंदिर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। कहा जाता है कि सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा, उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। माना जाता है कि साल में एक बार अंबुबाची मेले के दौरान माँ कामाख्या राजस्वला होती हैं और इन 3 दिन में योनि कुंड से जल प्रवाह की जगह रक्त प्रवाह होता है, इसीलिए अंबुबाची मेले को काम रूपों का कुंड कहा जाता है। करणी माता मंदिर। ये राजस्थान के बीकानेर से कुछ दूरी पर देशनोक नामक स्थान पर है। यह स्थान मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ भक्तों से ज्यादा काले चूहे नजर आते हैं। इनके बीच अगर कहीं सफेद चूहा दिख जाए तो समझो कि मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, यही यहाँ की मान्यता है। इन चूहों को कावा भी कहा जाता है। चूहों को भक्त दूध लड्डू आदि देते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि चूहों से पटे मंदिर से बाहर कदम रखते ही एक भी चूहा नजर नहीं आता। इस मंदिर के भीतर कभी बिल्ली प्रवेश नहीं करती। कहा तो ये भी जाता है कि जब प्लेग जैसी बीमारी ने अपना आतंक दिखाया था तब ये मंदिर ही नहीं बल्कि ये पूरा इलाका इस बीमारी से महफूज था, जबकि असंख्य चूहों के बीच प्लेग ना फैले ये वैज्ञानिकों की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत था। किसी मंदिर में रॉयल एनफील्ड की बुलेट बाइक की ही पूजा हो सकती है? ऐसा किसी ने ना सोचा होगा, मगर ये हमारे भारतवासियों की आस्था की बात है और इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं ये ओम बना का मंदिर है, जहां बुलेट बाइक की पूजा होती है, जहां की मुख्य प्रतिमा बुलेट बाइक की है और ओम बना, जिसका पूरा नाम ओम सिंह राठौड़ है, इसकी बाइक थी। वर्ष 1998 में अपनी बुलेट से गांव लौटते समय सड़क दुर्घटना में ओम बना की मौत हो गई। तब से कुछ चमत्कारिक बातों के चलते इसकी पूजा आज भी यहां जारी है। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी मंदिर रोमांचक लगे होंगे। नीचे कमेंट करके आप ये जरूर बताएं आपको इनमें से कौन सा मंदिर बेहद ही शॉकिंग लगा। साथ ही ऐसी और भी वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।